राधे राधे भक्तों। तो आज हम जहाँ पर है वो है भक्तों की नगरी गोवर्धन, और अभी हम हैं मथुरा जंक्शन में। यहाँ से हम जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा लगाने की। जय गिरिराज महाराज की जय। परिक्रमा कर लो, इतना रश। ये है गोवर्धन चौक, बहुत ही सुंदर। अभी बज रहे हैं रात के 10:30, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी गोवर्धन परिक्रमा। बस इसी थोड़ी आगे मंदिर है, वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ से जाकर हम परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। पहले लगाएंगे हम बड़ी परिक्रमा, उसके बाद छोटी परिक्रमा। जो बड़ी परिक्रमा है वो है 11 किलोमीटर्स, और वहीं छोटी परिक्रमा है करीब 9 किलोमीटर्स। अभी हम हैं दान घाटी मंदिर, और यहीं से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होगी बड़ी वाली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो गिरिराज महाराज की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ये कब लगाया भाई तुमने? ये सोच उसको राधे राधे, राधे राधे। चलो चलो कोई, जय हो, जय हो मेरे मालिक, जय हो, जय हो, जय श्री राम। ओके आ जाओ। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हमारी परिक्रमा शुरू होती है गिरिराज महाराज की परिक्रमा। बोल गिरिराज महाराज की जय। जय गिरिराज महाराज की जय। जय गिरिराज महाराज। यहीं पर ही मंदिर के सामने, मंदिर के सामने यहाँ पर राधे राधे। अगर थोड़ी थकान लग जाती है तो रास्ते में आप ऐसे बैठकर थोड़ा थकान दूर कर सकते हैं, और कुछ खा भी सकते हैं। ये बहुत सारी दुकानें बनी हुई है रास्ते में। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से होते होते हम आ गए हैं राजस्थान में, और परिक्रमा के समय ये वो जगह है पूंछड़ी का लोटा, कि जहाँ पर कहते हैं कि दर्शन करना और इस मंदिर की परिक्रमा लगाना बहुत ज़रूरी होता है।
तो जब भी आप आएँ परिक्रमा लगाने तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पूंछड़ी का लोटा जो मंदिर है उसकी परिक्रमा आप जरूर कीजिए। जय मे मालिक, जय बाबा जी, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दीनानाथ पाना जी, लड्डू गोपाल जी, राधा रानी, सरकार दी जय हो। यह पूंछड़ी का लोटा इस जगह पे कितने परिक्रमा आके करनी चाहिए, वो स्वास्थ्य बना रखे सभी है ना, स्वास्थ्य गोबर से स्वास्थ्य बना रखे। ये हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान आ चुके हैं, फिर सब जय हो लाल, जय हो, जय हो निर्मल, बोलो गिरिराज महाराज की जय। चलते हुए अगर आप ज़्यादा ही थक जाएं तो ये ऑटो भी चलते हैं, तो बीच में आप ऑटो करके भी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम आ गए हैं मुखारविंद मंदिर, ये बहुत ही मेन मंदिर है, जब आप परिक्रमा करते हैं तो यहाँ दर्शन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। और इस मंदिर में कहते हैं कि यही वो मेन जगह है जहाँ से भगवान गिरिराज जी ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और उसी के थोड़ा सा आगे उनके गुरुदेव का मंदिर है। कहते हैं कि अगर कोई असमर्थ है जो परिक्रमा लगा नहीं सकता तो उस मंदिर की शिला के साथ अगर परिक्रमा लगा लेता है 7 बार तो उस परिक्रमा 7 कोस के बराबर होती है, 21 किलोमीटर के बराबर मानी जाती है। और यहाँ इस मंदिर में एक स्पेशल तरह की जो जलेबी है वो इनको प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, चलिए वो प्रसाद लेने चलते हैं। तो वो स्पेशल किस तरीके से होती है चलिए देखते हैं। भाई क्या कहते हैं यहाँ की जलेबी अलग है सबसे? सबसे अलग जलेबियाँ हैं, आलू दही की बनती हैं, आलू दूध दही और अरारोट डाल के। अच्छा, और ये कहीं नहीं मिलता ऐसे? और ऐसी और वर्ल्ड कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये हमें भी देना चढ़ाने के लिए। यहाँ से कम 20 बार तो अमेरिका और 300 बार प्लस में कनाडा भेज चुके हैं जलेबी। अच्छा, अच्छा जी। जितने भी NRI आते हैं यहाँ से पैक करा के ले जाते हैं विदेश तक। इस मंदिर की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस शिला के 7 परिक्रमा लगाने का मतलब होता है कि आपने 7 कोस की यानी 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो पूर्ण कर ली है। और यहीं देखिए सामने श्रीनाथ जी का मंदिर भी है, लेकिन इस समय ये रात के समय बंद रहता है, और सुबह आप यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते से जो कि नेचुरल तरीके से बनी हुई है यहाँ से जाके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वो हम उससे करेंगे है ना? हाँ, ये 11 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर हो गया। चलो सही, आ जाओ, जय हो, जय गिरिराज महाराज की।
ये भी मान्यता है कि यहाँ पर गोवर्धन के पास अगर आप ईंटों का कुछ बनाते हैं बिल्डिंग जैसा तो उतने ही आपके मकान होते हैं। तो ये अक्की को पता चला तो अक्की बनाने लग गया। तो कहते हैं जितने आप बनाते हो उतने आपके घर बनते हैं, ये अपनी मान्यता है। और ये बच्चा खेल खेलने में बना दिए इसने। बनाना तो आ नहीं रहा तेरे को, ऐसे बनता कोई? तो फ्रेंड्स ये हमारी 11 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हुई यहाँ पर, और इसके सामने है मंदिर गिरिराज महाराज जी का, जिसके आगे से हमने परिक्रमा शुरू की थी। और इसके अपोजिट आप देखें तो ये है छोटी परिक्रमा, ये अब छोटी परिक्रमा हम करने जा रहे हैं। जय गिरिराज महाराज की जय। ये हम जा रहे हैं राधा कुंड की तरफ। जय श्री राधे राधे। अब इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो चल सकते हैं, है ना कि इधर चल सकते हैं ना। हाँ नहीं कोई नहीं, तो पहुँचते जा रहे भाई। जय श्री राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे। देखे चरणों की से वो मुझे श्री श्याम जय राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा जय राधा जय श्री राधे कुल। स्विमिंग करेगा फोन में है? हाँ चलो चलो। अरे वाह ये तो सही दिखने वाली चीज है ना। जय हो आ जाओ। नहीं मुझे ऐसे पता नहीं, ऐसे भी होते हैं। चलो हाँ जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। तो ये हमारी छोटी 9 किलोमीटर परिक्रमा भी संपूर्ण हुई। और यहाँ पर सामने मानसिंह गंगा, वहाँ थोड़ा मानसिंह गंगा स्नान करके फिर हम 200 मीटर ये हमारा मेन रोड पर पहुँच जाएंगे विराज मंदिर जी के वहाँ। हमारी छोटी परिक्रमा खत्म हुई तो यहाँ पर हम आ गए मानसिंह गंगा में। कहते हैं कि एक बार जब परिक्रमा आप करते हैं पूरी या पहले तो मानसिंह गंगा में एक बार स्नान जरूर कर लीजिए। अल्लाह है महान
यह है मानसी गंगा। बहुत सही टाइम पे अब सब कुछ हो गया हमारा। बहुत नमस्ते, दर्शन हो गए? हो गए दर्शन, नमस्कार। जय हो मेरे मालिक, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। तो यहाँ होती हमारी परिक्रमा समाप्त। यहाँ देखिए लोग लेट कर भी परिक्रमा करते हुए, दोनों परिक्रमा पूरी हुई। यहाँ से हमने शुरू की थी अपनी परिक्रमा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये आ गया उसी मंदिर में। जय गिरिराज महाराज की जय।